बैटल रॉयल गेम्स, बैटल रॉयल गेम्स एंड बैटल रॉयल गेम्स। इस टॉपिक की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हर दिन मुझे इस टॉपिक के ऊपर 5 से 10 कमेंट देखने को मिल ही जाते हैं। तो मैंने सोचा बैटल रॉयल गेम्स के ऊपर एक और वीडियो मेरे को यहाँ पर बनानी चाहिए। मैं आप लोग को पहले ही बता दूँ, इस टॉपिक के ऊपर पहले भी कई सारी वीडियोस बन चुकी है, जैसे कि ये वाली एंड ये वाली। तीनों वीडियोस की लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हे व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स, वो भी आपके कूल से एंड डैशिंग से स्मार्टफोन के लिए। तो मेरा काम था वीडियो लाना एंड वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। एंड अब आपका काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड गाइस, ये 10K सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट होने वाले, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वाली वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यार अपनी बैटल रॉयल गेम्स की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। टाइम आ चुका है एक बढ़िया वाले क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोग को कौन से वाले बैटल रॉयल गेम ज्यादा पसंद है। ऑप्शन ए होगा लो एंड डिवाइस वाले बैटल रॉयल गेम, या फिर ऑप्शन बी होगा हाई एंड डिवाइस वाले बैटल रॉयल गेम। मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से बता देना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज के गेम नंबर 1 से। गेम नंबर 1 है सुपर मेका चैंपियंस। ये गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 2.35 GB। ये वाला गेम 2019 में लॉन्च हुआ एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के पर अवेलेबल है। इस वाले गेम को खेलते वक्त आप लोग को ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लोग एक एनिमी टाइप के बैटल रॉयल गेम को अपने स्मार्टफोन में खेल ले हो। ज़्यादातर लोग इस वाले गेम के बारे में नहीं जानते, और अगर कुछ ऑडियंस इस वाले गेम के बारे में जानती भी है तो इतनी गारंटी कि आप लोगों ने इस वाले गेम को अभी तक तो नहीं खेला होगा। इस वाले गेम में आप लोगों को काफ़ी अच्छा एंड फ्यूचरिस्टिक सिटी देखने को मिल जाएगी। ये वाला गेम इंडिया के अंदर बैन है, बट आप इस वाले गेम को टैप टैप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले गेम में बाकी बैटल रॉयल गेम की तरह नॉर्मल कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। इस वाले गेम की एक और बात जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, एंड वो बात इस वाले गेम को बाकी बैटल रॉयल गेम से एकदम अलग बनाती है, कि इस वाले गेम में आप लोग रोबोट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी कूल फीचर लगा इस वाले गेम का। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 10 लाख प्लस डाउनलोड एंड इसको 4.1 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 2। गेम का नाम है राइड आउट हीरोज। गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 1.58 GB। ये वाला गेम 2019 में लॉन्च हुआ एंड ये गेम एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है, बट iOS डिवाइस वाले इस वाले गेम को नहीं खेल सकते। ये गेम भी इंडिया के अंदर बैन है, आप इसे टैप टैप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये एक काफ़ी अच्छा बैटल रॉयल गेम है जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी खेला नहीं जाता। ये एक फैंटेसी स्टाइल का बैटल रॉयल गेम है जिसके अंदर आप लोग काफ़ी सारे मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को मैजिकल 3D वर्ल्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लोग एज अ इंजीनियर, असैसन, हंटर या फिर वॉरियर के तौर पर इस वाले गेम को खेल सकते हो। इस वाले गेम में आप लोग को काफ़ी सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनके पास में अपनी काफ़ी मस्त वाली स्किल होगी। आप लोग इस वाले गेम के अंदर ड्रैगन में भी बदल सकते हो। अगर आपको पबजी एंड फ्री फायर से कुछ अलग हटके गेम चाहिए था तो आप लोग इन स्टार्टिंग के दोनों गेम को चेकआउट कर सकते हो, आपको ये दोनों ही गेम काफ़ी मस्त लगेंगे। राइड आउट हीरोज के 10 लाख प्लस डाउनलोड है प्ले स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 3। गेम का नाम है फारलाइट 84। ये गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 0.96 GB। ये वाला गेम 2022 में लॉन्च हुआ एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। ये एक काफ़ी मस्त मेगा इंटेंस बैटल रॉयल गेम है जिसमें आप लोग को 2084 का फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाया गया है। प्ले स्टोर के ऊपर काफ़ी दिनों से इस वाले गेम का अर्ली एक्सेस चल रहा था, जो कि फाइनली अब जाकर एंड हो चुका है। अभी के टाइम पर अगर कोई ऐसा गेम है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्ले करता हूँ तो वो है फारलाइट 84। इस वाले गेम में आप लोग को काफ़ी सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनके पास में अल्टीमेट लेवल की स्किल्स होगी। अगर आप लोग फ्री फायर एंड BGMI जैसे गेम को छोड़कर इस वाले गेम को खेलने वाले हो तो आपको इस वाले गेम में सबसे ज़्यादा मजा आएगा जेट पैक का यूज़ करने में। एंड ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वाले गेम में आप लोग को फ्यूचरिस्टिक वेपन एंड फ्यूचरिस्टिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला गेम काफ़ी मस्त है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खेला तो एक बार खेलना जरूर, आपको ये वाला गेम डेफिनेटली पसंद आएगा। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 5 लाख प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 4। गेम का नाम है नाइफ्स आउट। ये गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 1.96 GB। ये वाला गेम 2017 में लॉन्च हुआ था एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है।
नाइफ्स आउट एक काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स वाला बैटल रॉयल गेम है जो कि आपके लो एंड डिवाइस में भी इजीली चल जाएगा। ये वाला गेम भी आपको BGMI एंड PUBG मोबाइल जैसे सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा पाता, बट दुख की बात यह है कि ये वाला गेम भी नेटिस गेम्स ने ही डेवलप कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये गेम भी इंडिया के अंदर बैन है। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग इस वाले गेम को टैपटॉप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले गेम में आप लोग को एक्स्ट्रा लार्ज मैप देखने को मिलेगा जिसमें 100 प्लेयर्स एक साथ उतरते हैं एंड अब आपको 100 प्लेयर्स के बीच में जाकर सर्वाइव करना होगा। अब ये वाला गेम ऑनलाइन है तो गेम के दौरान आप लोग के काफी सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स बन जाएंगे एंड आप लोग अपने कैरेक्टर को यहाँ पर पूरी तरह से कस्टमाइज भी कर सकोगे। नाइफ्स आउट गेम के प्ले स्टोर के ऊपर 1 करोड़ प्लस डाउनलोड एंड इसको 3.8 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ बैटल रॉयल सीरीज का गेम नंबर 5। अपनी सीरीज के एंड गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। ये गेम ऑनलाइन होगा, डाउनलोडिंग साइज होगा 2.2 GB। ये वाला गेम 2019 में लॉन्च हुआ एंड ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगा। ये एक काफी अच्छा एक्शन एडवेंचर गेम है जो कि इंडिया के अंदर तो नहीं बट वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया के अंदर 80% लोग इस वाले गेम को नहीं खेलते, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें सारे टाइप के गेम्स खेलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस फ्री फायर या फिर पबजी मोबाइल को ही खेलें। अगर आप लोग एक ही गेम को पूरे पूरे टाइम खेलते रहते हो तो फिर ये एक एडिक्शन हुआ जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग पबजी मोबाइल या फिर फ्री फायर को छोड़ दो, आप लोग उन्हें भी खेलो, साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी को भी खेलो। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में आप लोगों को काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिनके पास में अपनी काफी कमाल की स्किल्स होगी, काफी कमाल के गन स्किन्स आप लोग को इस वाले गेम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग के पास में एक अच्छा खासा प्रोसेसर वाला डिवाइस है तो आप लोग इस वाले गेम को जरूर से चेकआउट करना, आपको ये गेम डेफिनेटली पसंद आएगा। प्ले स्टोर के ऊपर इस वाले गेम के 10 करोड़ प्लस डाउनलोड है एंड इसको 4.3 की रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5 में से। गेम की रेटिंग काफी मस्त है तो आप लोग इस वाले गेम को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को अपनी सीरीज के पांचों के पांच गेम बता दिए हैं। अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को जैसे लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। इस सीरीज में जितने ही मैंने गेम आप लोग को बताया सभी की डाउन लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से अगर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इन वाले गेम्स को एंजॉय करो, मैं आपसे किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय।